तो फाइनल यहाँ पर हम लोग का एंट्री बन चुका है। कल में देखिए, हमने एंट्री मान लिया भैया, ये कल का वीडियो है, ठीक है। ये कल का वीडियो है, देखिए मैंने डाल नहीं पाया था तो ये वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ सुबह में। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है कि मैं कॉल में एंट्री बनाऊँ, क्यों बनाऊँ, क्योंकि चार्ट पर हमें रिवर्सल दिखा है। अभी आपको मैं चार्ट दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रिवर्सल देख करके मैंने कामकाज किया, ठीक है। देखिए मैं बैंक निफ्टी हमेशा चीज़ बोलता हूँ ना, आप लोग क्या करिए, सिर्फ प्राइजेशन पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर देखिए चार्ट को किस तरीके से देखना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, तब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। देखिए मार्केट क्या है, ये रिजर्व यहाँ से देखेंगे रिवर्स हो चुका है, चार्ट का रिवर्सल यहाँ पर करीब करीब आपको दिखेगा। तो भैया देखिए, यहाँ पर ये स्पॉट प्राइस का था, अभी मैं फ्यूचर का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर का चार्ट देख करके एंट्री बनाता हूँ, ये आप सभी को पता है। तो चलिए यहाँ पर मैं एंट्री आपको दिखा देता हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए। तो स्पॉट प्राइस देखिए और फ्यूचर प्राइस बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, देखिए दोनों साथ में मूव करते हैं। मैं पर्सनली जो है ना, मैं ज़्यादातर फ्यूचर का चार्ट देख करके कामकाज करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो देखिए हमें लगता है कि इतना सेलिंग आ चुका है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहिए थोड़ा सा, इसी को देख करके मैं यहाँ से रिवर्सल का एंट्री बनाया हुआ हूँ। तो 45,300 समझिए जो वहाँ पे है, उसको देख करके किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं भाई इस समय 100 रुपये के आसपास में यहाँ पे। तो देखिए जितना प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकेगा उतना हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर यहाँ पे 1,000 रुपये का अगर लॉस दिखता भाई, तो तुरंत बाहर होने का ट्राई करेंगे, तब ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर समझिए, एक एंट्री जो है स्टॉप लॉस के साथ में हमेशा होना चाहिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर है, तभी आप काम काज कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग 500 रुपये 400 रुपये ऐसे करके कुछ प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहे हैं, चलने देते हैं, देखते हैं कितने टाइम में यहाँ पर हम लोग को ये पैसा देती है या फिर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करती है। तो 500-600 के आसपास हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं भाई। देखो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैक्चुएसन रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा मूव करता है, बहुत फट से प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा, मतलब ये सारी चीज़ें ना, आप क्या है इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप कैच करेंगे। भाई 1,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिख गया, समझिए हम लोग का ट्रेड 1:1 का हो चुका है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर रिवर्सल थोड़ा अच्छा खासा आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। देखिए ट्रेड में रुकना भी पड़ता है, ट्रेड में देखना भी पड़ता है। यहाँ पर चलिए मैं चार्ट फिर आपको खोल दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए हर चीज़ माइंड सेट का ऊपर डिपेंड करता है, कितना माइंड आपका फ्रेश है, कितना माइंड आपका शार्प है, कितना माइंड आपका समझिए कि एक्टिव है ट्रेड करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी टेंशन में आकर ट्रेड वगैरह मत किया करिए भाई, ये सारी चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो चलिए चार्ट लोड होने दें। देखिए 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट यहाँ से रिवर्सल एक ग्रीन कैंडल हम लोग के फेवर में आ रही है 15 टाइम फ्रेम पे। तो चलिए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 5 मिनट करते हैं, देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर कम्प्लीटली रिवर्सल हो चुका है। तो 45,300 देखिए मैं बता रहा हूँ वही हम लोग का सपोर्ट यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, और उसी को देख करके मैं एंट्री बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना सेलिंग हो चुका, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना चाहिए। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा सेलिंग में तो भाई वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी ही बनेगी। तो चलिए थोड़ा सा भाई यहाँ पर कैंडल रिवर्सल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आना चाहिए कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग का प्रॉपर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस जो है वो कम्प्लीटली हम लोग का फाइनल है। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, एक देखिए यही है, ताकि आप लोग कम्प्लीटली क्लियर रहो कि क्या चीज़ें कैसे बताया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग बस देखा करिए। देखते हैं कितना हम लोग का पैनल चल रहा है भाई, 1400 के आसपास पैनल चल रहा है, 1600। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट समझिए अपना प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे तुरंत। यहाँ पर प्रीमियम काफ़ी अच्छा जंप कर दिया है यहाँ पर, तो चलो भाई निकलते हैं बोलिए इस तरह बांध करके यहाँ से फटाफट। तो भाई फाइनली हम लोग प्रॉफिट बुक हो गया, देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। टोटल समझिए यहाँ पर भाई जो प्रॉफिट हम लोग को कम्प्लीटली मिला है 4,478 रुपये का मिला है, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट समझिए देखने को मिला है। तो सोचिए ये जो ट्रेड है ना, आपके रिस्क के हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ है। तो मार्केट में ऐसे आपको कामकाज करना है, ऐसे देखना समझना है, ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा देखा करिए। देखिए यहाँ पर मैं चार्ट दिखा देना चाहता हूँ कि चार्ट यहाँ से अभी थोड़ा सा मोमेंट ऊपर आने का और चांस है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पैसा मिल गया, मेरा काम हो गया, बस बात ख़त्म। मार्केट कहीं भी जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में चले तो लोग उसको पकड़ के बैठते हैं, अरे सर ज़्यादा पैसा मिला होता तो अच्छा रहता, ये सारी चीज़ें, ये सब मत सोचा करिए भाई। आप अपना लॉस देखा करिए, जितना आपका लॉस उतना आपको रिवार्ड अगर मिलता है, रिस्क रिवार्ड जिसको बोलते हैं, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में। अब समझिए 2,303 रुपये का प्रॉफिट मिला है टोटली, समझिए यहाँ पे हम लोग का ये रिस्क रिवार्ड काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।